जिस प्रकार घुड़सवार को जरूरत होती है चाबुक की अपने घोड़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसी प्रकार इंसान को जरूरत होती है मेडिटेशन की अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए। और जनाब, जो बंदा अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता जिंदगी के अंदर आगे। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो यार सबसे पहले तो अपना दिमाग अपने कंट्रोल के अंदर करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हो, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हो। इसीलिए मेडिटेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको मैं बता दूं, स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि मेडिटेशन इज द एक्सट्रीम पावरफुल सोर्स ऑफ नॉलेज। जी हाँ, मेडिटेशन इज द एक्सट्रीम पावरफुल सोर्स ऑफ नॉलेज। मेडिटेशन की वजह से आदमी बहुत ज्यादा नॉलेज एक्वायर कर सकता है। मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में एक अलग से ही जर्नी निकलती है, मेडिटेशन की एक अलग से जर्नी निकलती है, स्पिरिचुअल जर्नी। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था ना कि महर्षि भास्कराचार्य ने न्यूटन से 500 साल पहले ग्रेविटेशन की खोज कर दी थी। तुलसीदास जी ने जो है अपने हनुमान चालीसा के अंदर युग सहस्त्र जो जन पर भानु, इस एक लाइन के अंदर सूरज से धरती की दूरी बता दी थी, जो कि बाद में ग्रीक साइंटिस्ट आर्चरिटस का नाम जो आज लिया जाता है उन्होंने बताई थी, पर पहले हमने बताई थी। जो यार ये साइंस है ना, वो रिसर्च करती है, जो सर्चिंग होती है ना वो अंदर होती है, मेडिटेशन के थ्रू होती है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू होती है, इतनी पावरफुल होती है मेडिटेशन। तो यार मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यार इस वीडियो को देखने के बाद आप ये भी जान सकेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी सर्चिस जो महर्षि भास्कराचार्य जी ने की, गुरु नानक देव जी ने की, तुलसीदास जी ने की, वो कैसे की और आप वो मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। और वीडियो अब जो है मेन पार्ट आएगा वीडियो का, तो बड़े ध्यान से कान खोल के इसको बड़े आराम से सुनना। मेडिटेशन जो है तीन स्टेजेस में होता है, एक होता है धारणा, फिर आता है ध्याना, फिर आता है समाधि। मान लो यहाँ पे एक कैंडल पड़ी है, उसकी लाइट जल रही है, उसके अंदर लाइट जल रही है, आपने उसको देख रहे हो, आप उसको फोकस होकर देख रहे हो, बड़े फोकस्ड होकर उसको देख रहे हो, आप ये आप क्या कर रहे हो, धारणा, दैट इज कॉल्ड धारणा। अभी एक ऐसा टाइम आएगा कि आपको उस कैंडल की लाइट के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पर आपका ध्यान लगना शुरू हो गया। और एक ऐसा भी टाइम आएगा उसके बाद जब इसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम चला जाएगा तो आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि वो कैंडल और आप में कोई फर्क नहीं है, आप वही कैंडल हो, वो कैंडल आप है, ठीक है, आप बिल्कुल उस चीज में अब्सॉर्ब हो जाओगे। तो बड़ी सिंपल सी चीज है यार मेडिटेशन, जब आपको करनी है बड़ी बेसिक मेडिटेशन शुरुआत में करनी है, और मात्र 10 मिनट कर लो यार, 10 मिनट से करके, मैं खुद 22 मिनट करता हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ आप कि आप 3 घंटे मेडिटेट करो, 4 घंटे मेडिटेट करो, बड़े सिंपल है कि सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत करनी है और धीरे 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 करके उसको आगे बढ़ाना है, हर रोज एक एक दो दो मिनट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। सीधा एक एक घंटे में बैठोगे तो एक दिन तो कर लोगे, मोटिवेशन आ गई है, एक दिन तो आप कर लोगे मेडिटेशन, लेकिन अगले दिन नहीं कर पाओगे, मतलब उसको कंटिन्यू रखना मुश्किल है। सिर्फ 10 मिनट आपको मेडिटेट करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी यार, आपका जो फोकस है किसी भी चीज़ के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर आपका फोकस बढ़ जाएगा। मेडिटेशन करने से आपकी विल पावर तक बढ़ जाती है, इतनी पावरफुल होती है मेडिटेशन। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ तक कह रखा है, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट कंट्रोल ओवर नेचर, जी हाँ, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट कंट्रोल ओवर नेचर, सर आप नेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो। हमको बचपन से लेकर आज तक सिखाया गया ना कि प्रकृति के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति आपके कंट्रोल में आएगी अगर आपके पास वो मेडिटेशन की पावर है, और वो पावर आपको प्रैक्टिस से मिलेगी। तो प्रैक्टिस शुरू करनी स्टार्ट कर दो भाई, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, तब आप उस लेवल पे जा सकते हो, मतलब प्रैक्टिस करके आप उस लेवल तक जा सकते हो कि नेचर तक आपके कंट्रोल में होगी, आप जो बोलोगे नेचर को आप भाव आपके हिसाब से नेचर करेंगे, इतना ज़्यादा आप एक्सट्रीम में जा सकते हो। यार जब हम एक्सट्रीम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे दिमाग में, मैं बता देता हूँ, हमारे दिमाग में तीन नाड़ियाँ होती है, लेफ्ट साइड में होती है ईदा, राइट साइड में होती है पिंगला, और बीच में होती है सुषुम्ना। जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो सिर्फ और सिर्फ योगियों की खुली होती है, और वो मेडिटेशन के थ्रू ही खुलती है जब वो एक्सट्रीम मेडिटेशन करने लग जाते हैं। वो मेडिटेशन जब करते हैं तब वो उनकी सुषुम्ना जब ओपन हो जाती है तब वो 7 चक्कर एक साथ अलाइन हो जाते हैं अंदर, 7 चक्कर, जिसकी वजह से प्रकृति अपने भेद खोलना शुरू कर देती है। तो वहाँ उस लेवल तक आपको पहुँचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो उस लेवल की मेडिटेशन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने साफ साफ लिखा हुआ है, वो जो पूर्ण गुरु ही करवा सकता है, वो पूर्ण गुरु के थ्रू ही हो सकती है, और वो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पूर्ण गुरु होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता। आज इतने सारे ये बाबा लोग ये सब पता है कितने सारे लोग बने हुए हैं, तो मतलब ये तो फिर है, अगर मार्केट में 500 रुपये का असली नोट है तो नकली भी मिलता है ना, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, जहाँ तक आपको रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलो,
आगे का रास्ता अपने आप दिख जाएगा। आपको पता है कि आप ये नॉर्मल मेडिटेशन तो आप अभी कर ही सकते हो ना सर, कि एक कैंडल रख लो, उसकी लाइट को देख लो, या फिर किसी भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट के ऊपर मेडिटेट तो आप अभी भी कर सकते हो, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। और वो पूर्ण गुरु वाली मेडिटेशन, यार जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहेंगे वही चीज़ तो हमको मिलेगी। आप जब शिद्दत से चाह लोगे ना कि हमको यार वो उस लेवल की मेडिटेशन करनी है, तो भगवान अपने आप रास्ता दिखा देगा कि आपको वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना है। वो जो तुलसीदास जी ने की, वो जो गुरु नानक देव जी ने की, वो जो महर्षि भास्कराचार्य ने की, वो जो जितने भी ऋषि मुनियाँ हैं उन सब ने की, वो उस लेवल की मेडिटेशन तक आपको पहुँचा देंगे, ठीक है। उस वहाँ तक पहुँचने के लिए यार आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ से शुरू तो करो, बेस तो क्लियर करो अपना, हैं। बोर्ड्स में बच्चा पास नहीं हो रहा है और उसको एडवांस दे, एडवांस क्लियर करना है, ऐसा थोड़ी चलेगा यार। अपना बेस क्लियर करना है, बड़े सिंपल से बेसिक 10 मिनट मेडिटेट करना है रोज। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। लाइक कर देना यार और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।